पर मैं वास्तु पुरुष का ब्रह्म कैसे निकालते हैं, नेवल सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर को कैसे निकालेंगे? आप लोग कभी भी मकान में जैसे गोल वाला हम लोग करते हैं ना, जो महावास्तु में करते हैं गोल वाला चक्र जो लेते हैं शक्ति चक्रा, वो बाद में आएगा कैसे गोल बन गया, ये चौखुट वाला कैसे गोल बन गया और कब बनाते हैं, शास्त्रीय है ये भी, सब्जेक्ट से ही है, इसी में है, ये आगे आ जाएगा। पहले आप इस पदमंडल को समझ लें। इस पदमंडल को ये आठ 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 का हो गया, इसके ब्रह्म को कैसे निकालेंगे? इसी में सभी देवता फिट हो जाते हैं यहां पर। चार पद के ब्रह्म होते हैं यहां पर, देखिए आठ बाय आठ का है, सभी इसमें आठ बाय आठ के हैं, जितने भी हैं वो आठ बाय आठ के हैं। अब इसमें आप सीधा लेकर चलो, चार पद का आप वैसे निकाल लो, या बाहर से भी निकालना चाहो तो आधा आधा पद यहां पर आप दे दो, दो चार देवता यहां हो गए। एक दो तीन चार, एक देवता यहां होते हैं, एक देवता यहां होते हैं, एक देवता यहां होते हैं, इनके बराबर में जो ये हो गए ना देवता। 64 पद में देवता कैसे, पद विन्यास कैसे होता है देवता में, आधे आधे पद के तो चार चार आठ, चार बारह और चार सोलह देवता होते हैं आधे आधे पद में, पद विन्यास से होता है। एक पद दो पद तीन चार और दो पद ये और दो पद ये, दो दो चार दो छह दो आठ, आठ पद के हो गए, एक एक पद के देवता हो गए आठ देवता। इसके बाद दो पद के चार देवता होते हैं एक दिशा में, दो पद के चार देवता होते हैं एक दिशा में, चारों दिशाएं में आठ देवता होते हैं। ये आपके आठ देवता हो गए, दो पद के आपके आठ देवता हो गए, अब आप ये तीन पद के, आपने पिछली बार देखा होगा ब्रह्मा जी के चार मुंह होते हैं या विश्वकर्मा जी के चार मुंह होते हैं, वो चारों मुंह हो गए यहां पर। ये तीन तीन पद के होते हैं, इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे कर लो, यहां मिला दो और इस कोने को मिला दो, कोई गलत कट गया कहीं पर, ये हो गया चार पद में ब्रह्म होते हैं यहां पर। एक दो तीन चार, ये हो गए ब्रह्म, और आप ब्रह्म से लेकर चले जाओ, ये है इसका ब्रह्म स्थान।
ये जो तीन पद यहां पर होते हैं ये है विश्वभू, ये तीन पद है ये है विश्वविद, ये जो तीन पद है इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए, अब ये हो गया, ये तीन तीन पद के हो गए, ये हो गए विश्वभू, विश्व के जनक, विश्व को जानने वाले, ये विश्वविद, ये विश्व सृष्टा, और ये विश्व अस्त, विश्वस्त, ये ब्रह्म है, ब्रह्मा जी चार तरफ देख रहे हैं, चार मुंह हैं ब्रह्मा जी के, एक विश्व को जानने के लिए निकलेंगे, जान पहचान करने के लिए, इससे संबंधित जितने भी देवता उगते जाते हैं वो आपके उसी से संबंधित, ये विश्वविद, विश्व को जानने वाला। अब यहां पर आप लोग जो जानते हैं, जो इनका नया नाम पड़ा वो नाम है आर्यमा, ये नाम है विवस्वान, ये है मित्र। आप जब देखोगे ना, विवस्वान का अर्थ होता है जानने वाला, विद्वान, आप इसको विवस्वान का प्रॉपर अर्थ होता है जानने वाला। ये मित्र हो गया, और ये विश्वस्त मतलब विश्व में स्थित होने वाला भूधर, ये चार देव यहां पर होते हैं इनके, अभी इस पदमंडल में, इस पदमंडल 64 पदमंडल में आपके चार देव ये हो गए, तीन तीन पद के चार देव हो गए, उसके बाद आधे आधे पद के दो देव हुए, आधे आधे पद के दो देव हुए, एक एक पद का उसी के साइड में दो देव है, एक एक पद का दो देव है, आधे आधे का ऐसे ही है, ऐसे करके आपके 45 पूरे हो जाते हैं। ये 64 में, 64 पदमंडल में, इसको ये ब्रह्म स्थान है। अब आप लोग इसको ऐसे समझिए, जो इसी पे आप वो बना लेना, अगर 64 पद वाला आप लोग कम ही बनाते होंगे, जो भी आपका बनता है वो 91 पद वाला, 81 पद वाला ही बनता है, 64 पद वाला आपके पास कम रहता है, तो इसको आप जितना समझ लो, मेरे ख्याल से याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, पद के हिसाब से आप इसको याद कर लो, पद के हिसाब से आप इसको याद कर लो कि कैसे कैसे होता है ये, जैसे ये है ना, ये आधा आधा पद का ये हो गया, सीधा आप ब्रह्म निकाल लो, इसके यहां पर आओगे, इसके तीसरे पे जाओगे, इसके तीसरे पे जाओगे, फिर आप चौथे पे आ जाओगे। देखिए इसके ब्रह्म निकालने का सीधा सा तरीका होता है, एक दो तीन इतना छोड़ दो, एक दो तीन इतना छोड़ दो, फिर आप यहां से एक दो तीन इतना छोड़ दो, और इसी तरह से इधर भी जाओ, एक दो तीन इतना, एक दो तीन इतना छोड़ दो, ये जो दो है ना और ये दो है, इसमें भी एक दो तीन छोड़ दो, एक दो तीन छोड़ दो, इधर दोनों तरफ से, और इधर से भी ऐसे करो, वो ब्रह्मस्थान चार पदों का ब्रह्मस्थान निकल आएगा। इसमें इसमें भी अगर हम, इसमें तीन क्षेत्र होते हैं, एक बार शुरुआत में मैंने बताया था तीन क्षेत्र होते हैं, एक है ब्रह्म स्थान के बाहर, जस्ट बाहर होता है देव क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र और पिशाच क्षेत्र, तीन क्षेत्र जो होता है, एक ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो ये है, इसको बोलते हैं पिशाच क्षेत्र। जानकारी के लिए तो ले ही लो, पिशाच क्षेत्र, जो इसके अंदर वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं मनुष्य क्षेत्र। और ये होता है देव क्षेत्र, ये जो चार है ना,
ये है देव क्षेत्र, उसके अंदर है ब्रह्म स्थान, इसको बोलते हैं देव क्षेत्र, देव स्थान। ये तीन तरह के क्षेत्र है। ब्रह्म स्थान के बाद विथी बोलते हैं इसको शास्त्रों की भाषा में, देव विथि, मनुष्य विथि और पिशाच विथि। ठीक, ये आपके समझ में आया? कितनों के समझ में आया? कौन अभी अभी बना लेंगे बोलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके आगे नहीं तो फिर अगले दिन लेंगे 81 पद वाला। 81 पद वाला लेने के बाद और भी आपको उसमें पद विन्यास बता देंगे कि और भी पद विन्यास, वो गोल कैसे बना, जो गोल वाला चक्र है हमारे हाथ में वो गोल कैसे बना। एक 10वां है, 81 पद वाला भी अच्छा है, और जो 10वां है आसन वो भी अच्छा है, जो 10 × 10 = 100 पद वाला है। 81 पद में 9 पद का ब्रह्म स्थान होता है बीच में,